जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने नए आर्मी चीफ। जनरल मनोज पांडे हो गए रिटायर। मनोज पांडे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। उपेंद्र द्विवेदी इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं। भारत सरकार ने 11 जून की रात उन्हें आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले द्विवेदी सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। जनरल द्विवेदी ने आर्मी चीफ के तौर पर जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। जनरल मनोज पांडे भी रविवार को ही रिटायर हुए हैं। लास्ट वर्किंग डे पर सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मनोज पांडे 26 महीने तक, आपको बता दें, आर्मी चीफ रहे। रिटायर जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर दरअसल होने वाले थे। हालांकि सरकार ने पिछले महीने उनका कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया था। 25 मई को उन्हें एक्सटेंशन देने की घोषणा हुई थी। आमतौर पर सेना में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। इस कदम से अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जनरल द्विवेदी को सेना की टॉप पोस्ट के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सरकार के ऐलान के साथ ही इन सभी अटकलों पर विराम भी लग गया। जनरल द्विवेदी को चीफ ऑफ आर्मी बनाने में सरकार ने सीनियरिटी कॉन्सेप्ट फोटो किया है। इस वक्त आर्मी में जनरल द्विवेदी के बाद सबसे सीनियर अफसर दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार है। जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह दोनों को 30 जून को रिटायर होना था। तीनों सेनाओं के प्रमुख 62 साल की उम्र तक या 3 साल इनमें से जो भी पहले हो तब तक सेवा दे सकते हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल है, जब तक कि अधिकारी को 4-स्टार रैंक के लिए अप्रूव नहीं किया जाता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने सेना स्कूल रीवा में पढ़ाई की और जनवरी 1981 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA में शामिल हो गए थे। उन्हें दिसंबर 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने कश्मीर घाटी और राजस्थान के रेगिस्तान में कमान संभाली। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो चुके हैं। लेकिन एक बात और आपको यहाँ बता दें, भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय सेना नौसेना के प्रमुख होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।